तो गाइस आप भी वीवो फोन यूज करते हैं तो दोस्तों एक प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करने के लिए पड़ता है। दोस्तों अपना जो वीवो फोन होता है कई बार क्या होता है कि अपना फोन यहाँ पे स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिस्टार्ट होता है, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता है। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे अपना फोन पर यहाँ पे इंपोर्टेंट काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, तब दोस्तों आपको कई आपको नुकसान होता है और यहाँ पे मेनी प्रॉब्लम चैलेंज भी आता है। सो दोस्तों टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फिक्स वीवो फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ प्रॉब्लम। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉर्ट आउट यानी कि सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपना वीवो मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर लेना है, पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वॉल्यूम ऑफ बटन एंड आपको यहाँ पे पावर बटन को एक ही साथ में आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद दोस्तों अपना मोबाइल जो वीवो मोबाइल होता है वो यहाँ पे फास्ट बूट पर चले आएगा और आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, रिबूट का एक ऑप्शन मिलता है और रिकवरी मोड का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पावर बटन और यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम डाउन बटन से आप यहाँ पे नीचे ला सकते हैं और अप बटन से आप ऊपर ला सकते हैं, देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पावर बटन आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपका मोबाइल होता है दोस्तों यहां पे सिस्टम रिबूट हो जाएगा। सिस्टम रिबूट होने के बाद दोस्तों यहां पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा आपके मोबाइल में तो यहां पे ये सॉल्व हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, ये पहले मेथड पर आपको यहां पे करना है। दूसरे मेथड पर दोस्तों आपको अपना वीवो मोबाइल में एक एप्लीकेशन मिलता है जो कि आई मैनेजर होता है, उसमें आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन मिलता है ऑप्टिमाइज का, एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्टिमाइज पर आपको क्लिक करना है। तभी दोस्तों यहां पे ऑप्टिमाइज पर क्लिक करने के बाद आपका कोई भी आपके मोबाइल में वायरस वगैरह है, किसी भी तरह का मालवेयर है तो आपको ये क्लीन अप करके दे देता है। ठीक है, और एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेक्शन, इसको आपको यहाँ पे क्लीन अप करना है। क्या होता है दोस्तों, आपका जब कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे सिक्योर एंड सेफ बना देता है। और एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जो कि क्लीन अप स्पेस क्लीन अप, यहाँ पे जब कभी भी अपना डाटा होता है जो कैश डाटा होता है किसी भी एप्लीकेशन का दोस्तों यहाँ पे ये क्लीन अप करके दे देता है। 480 MB जो यहाँ पे अभी क्लीन अप हो चुका है, आपको ये डेली करना है दोस्तों। यहाँ पे सुबह शाम आपको दोनों टाइम करना है, आपका मोबाइल सही तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ये करना है दोस्तों आपको डेली। और एक मेथड पर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको सेटिंग पर चले आना है। सेटिंग पर चले आने के बाद सिस्टम मैनेजमेंट पर चले आने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप एंड रिसेट पर क्लिक करके यहाँ पे इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी डाटा होता है पहले किसी भी पेन ड्राइव पर स्टोर करके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे रीसेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देना है। देन यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके दोस्तों आपका जो मोबाइल का सेटिंग होता है वो यहाँ पे आप रीसेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो होता है पहले मोबाइल अब जब। और एक मेथड पर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अपना पावर बटन एंड वॉल्यूम ऑफ बटन को आपको प्रेस करके रखने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे जो आपका वीवो फोन हो दोस्तों यहाँ पे फास्ट बूट पर चले आएगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन से आपको यहाँ पे चले आना है। नीचे चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे पावर बटन को चलिए क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपका जो मोबाइल होता है, जो आपका मोबाइल होता है दोस्तों यहाँ पे रिकवरी मोड में चले आएगा। रिकवरी मोड पर चले आने के बाद दोस्तों आपको तीनों ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा क्लियर कैश और क्लियर ऑल डाटा मिलता है। तो आपके मोबाइल पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी डाटा होता है, क्लियर डाटा होता है वो यहाँ पे कैश डाटा होता है वो यहाँ पे पूरी तरह से आप क्लीन अप कर सकते हैं। और क्लियर ऑल डाटा करते हैं तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन होता है आपके मोबाइल मर, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी तरह का, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर डाटा करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह का एप्लीकेशन आपके है या फिर डाटा है तो दोस्तों वो भी डिलीट हो जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे आपका मोबाइल का डाटा होता है पहले आपको किसी भी जगह पर स्टोर करके यहाँ पे पेन ड्राइव पर आपको स्टोर करके रख लेना है। देन आपको यहाँ पे जो भी करना है दोस्तों आप क्लियर डाटा या फिर क्लियर कैश आपको करना है। क्लियर कैच करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी डाटा होता है जब कभी आप किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे यूजर्स करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो कैश डाटा होता है वो यहाँ पे स्टोर होकर अपने मोबाइल पर रहता है। तो आप वो यहाँ पे क्लियर कैच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्लियर डाटा करना है तो दोस्तों आपको अपना मोबाइल पर जो भी डाटा होता है किसी भी पेन ड्राइव पर आपको यहाँ पे पहले स्टोर करके रख लेना है, तभी दोस्तों आप यहाँ पे क्लियर डाटा या ऑल डाटा कर सकते हैं। जो लास्ट मेथड है दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जब कभी भी अपना जो बैक कवर होता है पहले आपको यहाँ पे खोल के दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, खोल बैटरी में जो कनेक्ट हुआ है देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे कनेक्टर पे लगा हुआ है, इसको एक बार डिसकनेक्ट कर लेना है। एक बार निकाल के फिर से आपको यहाँ पे लगा लेना है दोस्तों। लगाने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, चलिए बैक कवर लगा के आपको यहाँ पे अपना मोबाइल को 2-3 घंटे के लिए आपको चार्ज पर रख लेना है। कोई भी आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, 2-3 घंटे कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे चार्ज पर रख के आपको यहाँ पे खोलना है। गाइस आपने देख लिया कि जो वीवो फोन होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच ऑफ होता रहता है, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी वीडियो में आपको पूरी डिटेल पर बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और भी ऐसे ऑसम वीडियो देखने के लिए डायनामिक टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।